संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो या समाज सेवक हो, हर कोई इस फिल्म का विरोध करने में लगा है। ऐसे में मुंबई की जानी मानी फिल्म निर्मात्री और फिल्म अभिनेत्री नेहा बंसल ने कहा कि संजय लीला भंसाली एक अच्छे फिल्मकार हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं। रामलीला फिल्म बनाकर उन्होंने पहले ही लीला दिखा चुकी है, साथ ही उनके नाम के साथ भी लीला जुड़ा हुआ है। तो मैं संजय लीला भंसाली से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि संजय लीला भंसाली देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें। फिल्में बनाए, फिल्में बनाने का हक है, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना करें। आइए देखते हैं क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेहा बंसल ने। नेहा जी, क्या कहना चाहती है? संजय लीला भंसाली की फिल्म आ रही है रानी पद्मावती जी, तो काफी बवाल मचा हुआ है कि उनके करेक्टर के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए आपके नजर में? जी, संजय लीला भंसाली जी जो है वो बहुत अच्छे फिल्मकार हैं। जैसे कि अभी उन्होंने रामलीला बनाकर अपनी लीला पहले ही दिखा दी है, उनके तो नाम में ही लीला है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छे फिल्मकार हैं। लेकिन हम लोग फिल्म जब बनाते हैं, फिल्म जब देखते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अगर एक एंगल आप देखें तो फिल्म इसलिए भी बनाई जाती है कि लोग पूरा दिन अपना काम करके जो थक जाते हैं, कुछ देर तक थिएटर में जाके मूवी देख के अपना एक टाइम पास कर सकते हैं, एक रिलैक्स हो सकते हैं। बट आज का जो दौर है, मूवी सिर्फ एक टाइम पास के लिए, रिलैक्स के लिए नहीं रह गई है। इसमें मूवी बनाने वाले का ये कर्तव्य बन जाता है कि आप एक ऐसा सोशल मैसेज उसमें दें, क्योंकि आजकल लोग जो मूवीज़ देखते हैं तो उसको फॉलो भी करते हैं। तो भंसाली जी को फिल्म बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी के भी इतिहास को छेड़ने का उन्हें कोई हक नहीं है। स्पेशली इंडिया जो एक नारी प्रधान देश है, जहाँ देवी की पूजा की जाती है, नारियों का सम्मान होना चाहिए, और रानी पद्मावती जी ने तो अपने मान सम्मान के लिए खुद को सती कर दिया। तो अगर आप उनके चरित्र के साथ छेड़खानी करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। सिर्फ ये पद्मावती जी का नहीं, सभी महिलाओं का अपमान है। तो मुझे लगता है कि अगर भंसाली जी ने अपनी मूवी में ऐसा कुछ भी दिखाया है तो बहुत ही गलत किया है, उन्हें ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जब आप इस लेवल पे काम करते हो, लोग आपको अपना आइडल समझते हैं, तो आपका फ़र्ज है कि लोगों को कुछ अच्छा दिखाएं। किसी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का उनको दूर दूर तक कोई हक नहीं है।